अब हम जा रहे हैं, निकल पड़े हम टिकट करने के जुगाड़ में हमारी सफारी के लिए। होटल का एक स्टाफ ऑलरेडी वहाँ पे गया हुआ है, ही विल हेल्प अस आउट। शायद वहाँ पे कुछ लाइन वाइन लगानी पड़ती है, तो वो लगाएंगे और टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे। सो ये है टिकट काउंटर जहाँ पे टिकट बुकिंग होती है, लाइन भी लगना पड़ता है। हम अभी 3:30 के आसपास आ गए हैं, शायद 6 बजे के आसपास टिकट काउंटर खुलेगा। और ये एक पर्यटन अधिकारी का ऑफिसर है। ये देखिए टिकट काउंटर ये दिख रहा है, मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ द टिकट काउंटर ताला। ये डिस्ट्रिक्ट ताला पड़ती है जहाँ पे ये टिकट्स होते हैं। ये फॉर्म भरना पड़ता है विथ योर आईडी। आई थिंक दिस इज द फॉर्म। अब 3:30 से शाम हो चुकी है, अब लगभग 6:30 बजे टिकट काउंटर खोलने का टाइम हो रहा है। इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जो लेके जाती हैं टूरिस्ट को जंगल में। जंगल के अलग अलग हिस्से हैं, कोर एरिया है और बफर एरिया है। बफर एरिया यानी कि बाहर बाहर से, कोर एरिया यानी कि अंदर से। तो हम कोर एरिया का टिकट लेने का कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6:15 हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं अपनी सफारी की गाड़ी के आने का। ईशा वही सैंडविच खा रही जो आज बनाया है हमने। सो दिस इज बीन डन। पुष्पिता इज ऑल्सो रेडी। हाय वेलकम। सो पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी आज की हमारी सफारी के लिए, बांधवगढ़ टाइगर रिसोर्ट। अब सनशाइन है मेरा लियो, तो एक लियो को आज कुछ लियो मिलने वाले हैं। और दिस इज ईशा ऑल्सो रेडी, और वो आ रही है पुष्पिता हमारे कॉटेज से। देखिए ठंड इतनी है मगर ड्रेस जरूर पहनेंगे, यही एक समस्या महिलाओं की। फारिस खड़ी हुई है, 10:48 हमारा नंबर था, तो ये रही 10:48। ये हमारी जिप्सी है मारुति की, जो हमें लेके जाने वाली है आज सफारी पे। सर कौन है इनके साथ, आप ही हैं? ठीक है सर। तो ये सर है हमें आज लेके जाएंगे हमारी सफारी पे। सर क्या नाम है आपका? अन्नू सर। ठीक है सर, चले सर अन्नू सर, चलिए तो शुरू करते हैं। जय शिव शंभू। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी सफारी की यात्रा। सब लोग तैयार होके रेडी है। ऐसा लवली वेदर, मजा आता है सुबह सुबह चिल में जाने में। तो पुष्पिता ईशा भी दिख रहे हैं पीछे में। यही से मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा ब्लैंकेट दे दीजिएगा। अच्छा ब्लैंकेट भी मिलने का सुविधा है। अच्छा लगता है। दो दे दीजिएगा, वो तो मालूम है। तो कंबल ले लिएगा, ये मुझे पता ही नहीं था। देख रहे यार कंबल भी मिलते हैं। ये जो आप भागते हुए कुछ यूथ्स को देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं जो सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ रेजिम टू गेट रेडी एवरी डे, सो दे रन अलोंग। ये बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर ताला। ये हमारा टिकट आ चुका है। सर रिवर इसका नाम क्या है? चरण गंगा। तो ये चरण गंगा रिवर है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा गेट आ गया है, यहाँ पे आईडी चेक होते हैं। तो आईडी पकड़ा था भाई। काफी लोग देखिए वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। अच्छा वो देखिए वाटर बर्ड्स, वो ऊपर वाटर बर्ड्स स्टॉक लेसर एज इट एंड स्टॉक। बांधवगढ़ नाम तो सुना होगा, अरे बड़ा पुराना नाम है। माना जाता है त्रेता युग में ये जगह भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को दान में दी थी, और यहाँ पे उनके नाम पे एक किला भी है। बाघ का जब जब जिक्र होगा
तो हिंदुस्तान के दिल में बसे इस जंगल का नाम बांधवगढ़ जरूर लिया जाएगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पे हजारों सालों से उनकी मौजूदगी के निशान हैं और आज भी बांधवगढ़ बाघों की घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो हर साल बाघ की एक झलक के लिए इतने लोग दूर दूर से आते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं जिसे यहाँ आकर भी टाइगर नहीं दिखा वो तो सफारी में सो ही रहा था। पर बांधवगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था, कम से कम बीती सदी में तो नहीं। सालों तक इसे एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज की ठाट बाट में बाघ का शिकार एक आला दर्जे का शौक हुआ करता था। भला उस समय किसने सोचा होगा कि एक दिन बस कुछ गिनती के ही बाघ बचेंगे। पर आजादी के बाद देश संभलने लगा था और सरकार की नजर पड़ी उसके जंगलों पर। धीरे धीरे सरकार हरकत में आई और सरकार ने वन संरक्षण से यानी कि फॉरेस्ट रिजर्वेशन से एंड कंजर्वेशन से ध्यान दिया और आगे बढ़े। और 1972 यानी कि 1972 आने से पहले ही बांधवगढ़ को एक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ऑफ टाइगर्स घोषित कर दिया गया और फिर से एक बार बांधवगढ़ बन गया बाघों का एक प्राकृतिक आवास, अ नेचुरल हैबिटेट फॉर बंगाल टाइगर्स। आज लगभग 50 साल हो गए इसे नेशनल पार्क घोषित किए हुए। शुरू में केवल 105 वर्ग क्षेत्र का एरिया ही लिया गया, मगर आज कई एकड़ों ज़मीन इसमें दे दी गई है। 72 यानी कि 72 ये वो साल था जब पेठान गांव को यहां से शिफ्ट किया गया। काबिले तारीफ है पेठान के उन गांव वालों का नाम जो अपना घर बार अपनी बस्ती छोड़ के शेरों को बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ के चल दिए। आज जिस जिप्सी को आप इस्तेमाल करते हैं ना बांधवगढ़ को घूमने के लिए, वो ज़्यादातर इसी गांव के ही लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और मैं अपना चेहरा क्या दिखाऊं, मैं आपको व्यू दिखाता हूं। जिनका बचपन इस जंगल में पैदल ही घूमते फिर बीता है और वो दिखता भी है, चप्पे चप्पे को वो जानते हैं जैसे वो माँ की गोद हो। बांधवगढ़ में एक गुफा है जो दिखती तो राम और सीता के विवाह मंडप की जैसे, मगर जंगल प्रेमी इसे किसी और कारण से जानते हैं। हाँ, यहीं पे सीता को पहली बार देखा गया, द टाइगरेस। सीता को बांधवगढ़ की कुल देवी का दर्जा देना गलत नहीं होगा। जब ये जंगल कटाई और अवैध विस्तार से गुजर रहा था तब सीता ने इसे आबाद किया। अपने जीवन काल में सीता ने 6 बार शावकों को जन्म दिया और इसी के साथ शुरू हुआ एक सुनहरा दौर। सीता की वजह से एक दौर शुरू हुआ टाइगर टूरिज्म का और इसमें इसका साथ दिया चार्जर ने, जो मशहूर था अपने आक्रामक रवैये के लिए। देश विदेश के कई फिल्मकारों ने सीता और चार्जर की कहानी अपनी फिल्मों में दिखाई और सुनाई। किसी दंत कथा के नायक जैसा चार्जर आज इसी जंगल में सूखे पत्तों की कब्र के नीचे आराम कर रहा है, इस बात से बेखबर कि उसका राज कुटुंब आज भी पनप रहा है बांधवगढ़ के कई बाघों के रूप में। जिस साम्राज्य की रूपरेखा चार्जर और सीता ने रखी थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया बीटू ने। बीटू ने अकेले ही टाइगर टूरिज्म की काया पलट दी। इससे पहले कहीं भी दुनिया में एक टाइगर को देखने के लिए इतने लोग नहीं आए थे। अरे, नाम चलता था अपने बीटू का। और यहीं से पूरे देश भर में लोगों ने एक नया चैनल चलाया किसी जंगल को टाइगर के नाम से प्रमोट करने के लिए। आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हिंदुस्तान में सालाना हजारों करोड़ का कारोबार है। क्योंकि मैं भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो भली भांति समझता हूँ इसकी उपयोगिता क्या है। सर, मैं ये ब्रेकफास्ट पॉइंट है, चलिए कुछ वॉशरूम्स भी हैं और टाइगर तो अभी तक नहीं दिखा पर खोज जारी है। ऐसा कहा जाता है कि एक पर्यटक का 11 लोगों के रोजगार में सहयोग होता है। तो कोई एक आदमी या कोई एक टूरिस्ट अगर बांधवगढ़ आता है तो लगभग 11 लोग को लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो ये थी मेरी यात्रा
टाइगर्स के घर की, उनके साम्राज्य की, उनके साथ उनके उनके घर को देखने की। देखिए जब कभी बांधवगढ़ जाएं तो बहुत चांसेस हैं, ऐसी बहुत उम्मीद है कि आपको टाइगर दिख ही जाएगा। पर अगर ना दिखे, जैसे हमको भी नहीं दिखा, मायूस मत होइएगा, क्योंकि टाइगर ने आपको देख लिया है। वो जानता है कि आप आए थे, वो पहचान गया है आपको। शायद अगली बार आएगा तब देखेंगे आपको। मेरा नाम शेफ रवि सावंत है, बांधवगढ़ की कहानी मेरी सुबह। आप ले लो, तुम ले लो, हम ले लेंगे। तो ये खाई जा रही है मैगी, बहुत ही मज़ेदार मैगी, ठंड में और मैगी, मज़ा आ जा रहा है। फाइनली दिस लवली ट्रिप इज गेटिंग ओवर एंड अब हम लास्ट ब्रेकफास्ट यहाँ से करके दोबारा बनारस के लिए निकलेंगे। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही। और अगर आप जंगल सिर्फ और सिर्फ टाइगर देखने आते हैं तो हो सकता है मायूस हों, क्योंकि हमें भी टाइगर नहीं दिखा। वहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत होता है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है। और किसी ने अच्छी बात ये कही है, जंगल की हवा 5 लाख की दवा। तो बहुत ही मज़ा आया। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।